तो आप जो ये देख रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये मैं सब जाके आरटीओ से कलेक्ट किया हूँ, कोई मुझे डाकिया नहीं दे गया ये। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास टोटल 10 है लाइसेंस, ये कर्नाटका का है। और ये सब जाके मैं अपना जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है उसमें से कलेक्ट किया हूँ। और अगर आपका लाइसेंस भी अभी तक आया नहीं, तो आप जाके अपना आरटीओ से कलेक्ट कर सकते हो, जो आरटीओ आपने सेलेक्ट किया था ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते वक्त। और ये अब अगर आप पोस्ट का इंतजार करो तो ये पोस्ट नहीं होता है, तो ये इसका स्टेटस में अभी वही दिखा रहा है कि DL डिस्पैच बाई पेंडिंग पोस्ट, तो ये पेंडिंग ही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लाइसेंस जल्दी मिल जाए, तो आप अपना जाके आरटीओ से कलेक्ट कर सकते हो इसको। और आरटीओ में आपको जस्ट अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ उनको दिखाना होता है, एंड आपको कहना कि मेरा लाइसेंस अभी तक आया नहीं, बहुत दिन हो गए, तो आप मेरा आपका लाइसेंस दे दीजिए। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको हैंड टू हैंड लेमिनेशन दे देंगे, और ये लोग कुछ और सवाल नहीं पूछेंगे, आपका लाइसेंस दे देंगे। एक सिग्नेचर मैं भी वो ले सकते, मेरे से तो लिया गया है, मैंने मेरा साइबर का दुकान है, तो मैं इतना सब अप्लाई किया था। तो मैं जाके क्या कर लेता हूँ कि आरटीओ से करेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट एप्लीकेशन नंबर एंड साइन। तो अगर आपका भी लाइसेंस नहीं है, तो आप ये कर सकते हो और आपका लाइसेंस मतलब मिल जाएगा। आप परेशान होंगे क्योंकि इसका स्टेटस अभी भी चेंज नहीं होता है। मेरा लाइसेंस पूरा मतलब बन के आ गया, अभी मिल भी गया मुझे, लेकिन स्टेटस में अभी भी वही दिखा रहा है, डियर डिस्पैच बाई पोस्ट पेंडिंग दिखा रहा है, आरटीओ अथॉरिटी से कुछ दिखा रहा है। तो आप ये कर सकते हो ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम ऐसा ही होता है, स्लो होता है बहुत। अगर आपको जल्दी चाहिए, तो आप अपना आरटीओ जाके लाइसेंस ले लीजिए।